लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। हास्य अपने आप पैदा हो जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। देखिए, एक जगह एक नेताजी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, तभी उनको पीछे से कुत्ते ने काटा। उस समय चार चार पंक्तियां ऐसे बनी, एक बार एक नेताजी को एक कुत्ते ने काटा, एक बार एक नेताजी को एक कुत्ते ने काटा, नेताजी का लहू प्यार से उस कुत्ते ने चाटा। एक बार एक नेताजी को एक कुत्ते ने काटा, नेताजी का लहू प्यार से उस कुत्ते ने चाटा, नेताजी बेहोश हो गए, कुत्ता भी गश खाया। नेताजी बेहोश हो गए, कुत्ता भी गश खाया, इस पर लोगों ने दोनों को डॉक्टर को दिखलाया। उसने चेकअप किया दोनों का, फिर दिए एडवाइस, नेता को 14 लगवा दो, कुत्ते को 28। चार लाइन का एक छोटा सा व्यंग और देखें। एक डकैत चंबल छोड़कर राजनीति में आ गया, सांसद का टिकट पा गया। मैंने पूछा, सुना आप वापस कभी नहीं जाएंगे, अपना शेष जीवन जनता की सेवा में बिताएंगे। वो बोला, आप क्या समझते हैं, कोई काम अधूरा करूंगा, जो काम डकैत बनकर नहीं पूरा कर पाया, सांसद बनकर पूरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कविता और देखें, हास्य व्यंग की कविता, राष्ट्रीय एकता का संदर्भ। उत्तर प्रदेश से आया हूं, कानपुर से आया हूं। योगी जी की सरकार जब बनी तो कानपुर में तमाम होर्डिंग लगी, लेकिन एक विशेष होर्डिंग पर मेरी नजर गई। उसमें योगी जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी गई थी और 15-20 फोटोज लगी हुई थी, सारी की सारी मुसलमानों की फोटो थी। अच्छा, अरे वाह। मुझे लगा यहां से एक कविता निकल सकती है, और वो कविता देखिए। स्वागत है। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम चचा। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम चचा। चचा बोले, राम राम बच्चा। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम चचा। चचा बोले, राम राम बच्चा। हमने कहा चचा, राम जी से आपका क्या नाता है? वे बोले, अरे भारत हमारी धरती, गौ हमारी माता। भारत हमारी धरती है, भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता है, राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जिसका जिला फैजाबाद है, हमको सब कुछ याद है। मैंने कहा, चचा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीहत नहीं होगी। हमारी भाषा चचा की भाषा देखिएगा। हमने कहा, चचा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीहत नहीं होगी। चचा बोले, बच्चा फजीहत देखें कि होगी। चचा बोले, बच्चा फजीहत देखें कि होगी। और वैसे भी हमारी आपस की कैसी लड़ाई, राम रहीमा भाई भाई, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबका विकास सबका साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। सबका विकास सबका साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। हमने कहा, चचा लगता है आप भी जमाने के रौ में बह गए। बोले, नहीं बच्चा, हमारे अल्लामा इकबाल साहब तो बहुत पहले कह गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशन हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशन हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। कविता की अंतिम पंक्तियां। मैंने कहा, चचा जिस दिन आपकी तरह हर हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम नहीं, जिस दिन आप ही की तरह हर हिंदुस्तानी अपने दिल से नफरत की भावना को निकाल कर बाहर फेंक देगा, उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देंगे। बहुत अच्छे कमलेश भैया, बहुत। उस दिन पाकिस्तान क्या है,
पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा और फिर आपसी प्रेम और भाईचारे का एक नया युग शुरू हो जाएगा और अपना भारत फिर से विश्व गुरु हो जाएगा, फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार, वाह।